उसकी धमकी से क्या डरना माधवी, उसका वजन कितना है, वो बोल कितना रहा है, उसकी धमकी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो पैसे निकालने का तरीका है उसका, अरे ऐसे थोड़ी काम बंद कर सकते हैं। और धमकी दे रहे मुझे, आत्माराम तुकाराम भिड़े को आला धमकी देता है। चलो भाई चलो, चलो साहब, चलो आ जाओ साहब, चलो चलो। अरे बका भाई, हाँ मजदूर को नाश्ता करने ले जा रहे हो? नाश्ता करने को नहीं, सोसाइटी का काम बंद करके जा रहे हम लोग। क्यों? वो पूछो भिड़े भाई को, भिड़े भाई। अरे बका भाई रुको, बका भाई चलो। अरे बका भाई रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ऐसा ऐसा मत जाओ। अरे बका भाई रुको, अरे ऐसे काम छोड़ के कहाँ चले जा रहे हो? अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे? अरे हे भगवान, मैं क्या करूँ? भिड़े भाई को फोन लगा दो। हाँ बोल अब्दुल। भिड़े भाई गजब हो गया, कयामत आ गई, जलजला छा गया। अरे भाई तू पुरानी फिल्मों के नाम क्यों ले रहा है भाई, क्या हुआ वो बोलना। अरे भिड़े भाई अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब्दुल फिलहाल तो मेरे पैरों तले वुडन फ्लोरिंग है। भिड़े भाई आपके वजह से बक्का ने काम बंद करवा दिया है, सारे मजदूरों को लेकर सोसाइटी के बाहर चला गया है। कहते क्यों मतलब, और तुमने रोका नहीं उनको? अरे मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग रुके नहीं, वो लोग चले गए। ऐसे कैसे चले गए? हाँ भिड़े भाई चले गए, अब क्या करना है? क्या करना है क्या, तू फोन रख मैं कुछ सोचता हूँ। ओके भिड़े भाई, गुड डे। हुशार गुड डे बोलते है माला। माधवी माधवी, वो 42 किलो का बका सोसाइटी का काम बंद करके सच में चला गया। काय? हाँ? बका भाई, मुझे लगा ही था, मैंने कहा था ना आपको, अभी सुंदर भाई को फोन करो। अरे कहाँ से करूँ, उसका एक भी नंबर नहीं लग रहा है। अभी आप सर पे क्यों हाथ मार रहे हो, जेठा भाई को बोलो। सर पे हाथ मारने के लिए नहीं हो, जेठा भाई को बोलो कि सुंदर भाई से बात करे। अभी उसी को बोलना पड़ेगा। चांदी से बात कीजिए। हाँ हाँ कर लो। हाँ भिड़े बोल। जेठालाल ये बका। अरे भाई भिड़े, बका चका मका आता का ही बोलो नका। उसकी तू मुझसे बात ही मत कर, और कोई बात कर। और क्या बात करूं जेठालाल? और ऐसे क्या बात कर रहे हो, तुम सोसाइटी के मेंबर नहीं हो ना? लेकिन मैं तुम्हें 30,000 बार कह चुका हूँ, अभी 31,000 भी बार कह रहा हूँ। डायरी 1,000 वाड़ ले कि सोसाइटी को लेकर सुंदर की कोई बात मुझसे मत कर भाई। तू आचार पापड़ की बात कर मैं सुनूंगा, स्त्री की बात कर मैं सुनूंगा, एक बार के लिए तेरे पुराने जमाने की बात भी मैं सुन लूंगा, लेकिन सुंदर की बात सॉरी। हेलो 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 हेलो, काय झालं? फोन कट कर दिया उसने। मैं जितना मुसीबत से दूर भागने की कोशिश करता हूँ उतना ही मुसीबत बाउंस चेक की तरह मेरे पास वापस आ जाती है, लेकिन नहीं, इस बार मुझे सुंदर को लेकर कोई टेंशन चाहिए ही नहीं। और मैं क्यों टेंशन लूं? सुंदर को कॉन्टेक्ट देते वक्त मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि बाद में कुछ लफड़ा हुआ मुझसे मत कहना, लेकिन तभी मेरी किसी ने सुनी नहीं, तो अभी मैं क्यों सुनूं? अब अकेले अकेले किसके साथ बात कर रहे हैं? कहाँ किसके साथ, कुछ नहीं। चलो चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्रा। जय जिनेन्द्रा। दुकान जाने का यहाँ से कौन सा रास्ता है? अरे भाई बाथरूम जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आप बाथरूम से बाहर निकलने के बाद फिर यहाँ से दुकान जाएंगे ना? तो बाथरूम की खिड़की का कांच निकल के पाइप से नीचे उतर के सीधा दुकान। आप मजाक कर रहे हैं ना? अरे अभी जाने दे वरना। सॉरी सॉरी, जाइए जाइए। तुम्हारे पापा भी ना कभी कभी समझ में ना आए ऐसा मजाक करता है, लेकिन मैं तो समझ में आया कि ना आए, हंस देती क्या है उनको अच्छा लगता है। हेलो हाथी भाई, आप अभी के अभी जेठा के घर पे पहुंचो, बहुत टेंशन हो गया है। क्यों क्या हो गया? अरे वो सब वहां पे पता चल जाएगा हाथी भाई, आप जल्दी पहुंचो, बहुत टेंशन हो गया है। फोन काट दिया, कहीं चाचा जी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? की गल कर रहे पिडू, ओ 2 मिनट क्या, मैं 1 मिनट में पहुंचता हूँ, और मैं कॉलेज में रेसिंग चैंपियन था। अरे भाई उत्साही, तू अपने कारनामे बाद में सुनाना, पहले जेठा के घर पे आ। अरे बार बार तू जेठा प्रा के घर आ, जेठा प्रा के घर आ, वो ऐसा बोल बोल के टाइम क्यों खराब कर रहा भाई? और फोन रखेगा तो मैं घर पहुंचूंगा ना।
ये तो पूछना ही पूछ गया कि टेंशन क्या है। ओ चल भाई सोडी, पता नहीं फिर कैसे नई टेंशन आ गया। अरे हाथी ना, आओ आओ तबीयत खराब है इसीलिए तो आया हूँ। अरे तो यहाँ क्यों आया इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर? तो आपको इस हालत में कैसे बुलाता क्लिनिक पर? है? ये क्या कर रहा है? चेक कर रहा हूँ आपको कि आपको हुआ क्या है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? क्यों, तूने कहा ना कि तबीयत खराब है? आपकी ना क्या हुआ चाचा जी, क्या टेंशन है? अरे चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आपकी तबीयत को? एक ही हो गया भाई। अरे किसने कहा मेरी तबीयत खराब है? बड़े मास्टर का फोन आया था, उसने कहा जेठालाल के यहाँ जल्दी पहुँचो, बहुत टेंशन है। हाँ भिड़ा ने मुझे भी फोन किया था कि टेंशन है जल्दी पहुंचो, तो मैं चला आया। मेरे को आत्माराम ने फोन किया था, मैंने भी आया सी कि कुछ टेंशन है। अरे तो टेंशन है तो क्या मेरी तबीयत खराब है? अरे मेरा ही बुरा क्यों सोच रहा है भाई तू? चाचा जी वो आपकी उम्र हो चुकी है ना। उम्र हो चुकी है मतलब? अरे डॉक्टर हाथी, तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मार डाल, मार डाल मुझे, मार डाल, ले मैं मर गया, ले सॉरी सॉरी, कुछ गलत फहमी हो गई थी। हाथी भाई बापूजी की तबीयत एकदम ठीक है। चाचा जी अगर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है तो फिर आखिर टेंशन क्या है? तू बता। मुझे क्या पता, मैं तो ऑफिस जा रहा था, मुझे भिड़े का बहुत टेंशन है, चले आओ तो मैं चला आया। अरे मुझे क्या पता क्या टेंशन है? कमाल है चाचा जी, आपके घर पे टेंशन है और आपको मालूम नहीं कि टेंशन क्या है। अरे भाई सच में मुझे नहीं पता है, अगर पता होता तो मैं तुझे बता देता। हाँ। मेहता साहब फिर टेंशन क्या है? अरे भाई भिड़े अभी आएगा तो सबको बता देगा कि आखिर टेंशन क्या है। तू टेंशन मत ले सोड़ी। और मैं कोई टेंशन वेंशन नहीं लेता मेहता साहब, अब मैं तो मस्त मौला बंदा हूँ। मैं तो ये देखने आया था कि यहाँ पे टेंशन क्या है। हाँ। सबको टेंशन देने वाला ये पिड़ू की तरह भाई। सोड़ी मैं अभी आत्माराम को फोन करता है। टेंशन मास्टर और जल्दी बता टेंशन क्या है, और मैं आधा नाश्ता छोड़ के आया हूँ। मैं भी, तुम तो नाश्ता आधा छोड़ के आए हो, मैं तो रास्ता आधा छोड़ के आया हूँ बीच में से। अरे मैं भी दुकान छोड़ के आया हूँ। लेकिन मेहता साहब मैं भी फ्री नहीं बैठा था, मैं भी आधे काम छोड़कर ही आया हूँ। साड़ी प्रेस स्त्री की साड़ी। अरे भाई भिंडी मास्टर पूरी बात बताना कि टेंशन क्या है। बताता हूँ बताता हूँ, बात दरअसल ये है कि सोसाइटी में जो रिनोवेशन का काम चल रहा है वो बंद हो गया है। अच्छा मैं रिनोवेशन का काम बंद हो गया, कब कैसे क्यों? ओ पिड़ू, और तूने मजदूरों से झगड़ा किया है या उनको पैसे नहीं दिए? हाँ बताओ क्या हुआ क्या? अरे ये बात नहीं है सोड़ी, एक मिनट बताता हूँ। दया भाभी चिट्ठालाल कहाँ है? वो बाथरूम में है। तुम लोग सब यहाँ? जेठालाल सोसाइटी में रेनोवेशन का काम बंद हो गया इसलिए भिड़े ने सभी को यहाँ पे बुलाया है मीटिंग के लिए। हाँ। दया तूने हमारे घर के बाहर कोई बोर्ड लगाया है गोकुल धाम सोसाइटी ऑफिस? कमाल है भाई, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अरे सॉरी भाई आप कहाँ से पढ़ोगे, मैंने ऐसा कोई बोर्ड लगाया नहीं। सुना भिड़े, तो फिर तूने सोसाइटी की मीटिंग मेरे घर में क्यों बुलाई? ये भाई जेठिया, मीटिंग यहाँ क्यों रखी है, वहाँ क्यों नहीं रखी है, ये सब छोड़ना भाई, मुद्दे की बात करना। भिंडी मास्टर ये काम क्यों बंद हो गया ये बता। बताता हूँ, बात दरअसल ये है कि बका अभी देखो भिड़े भाई, आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो इसलिए मैं काम बंद करके जा रहा हूँ। सोसाइटी में काम बंद हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं आप होंगे। आज मैडम तुमने एकदम करेक्ट कहा, ऐसे कैसे पैसे दे सकते हैं ना? अरे पर ऐसे कोई काम भी कैसे बंद कर सकता है? हाँ जेठालाल, तुम्हारे साले सुंदरलाल को तुम समझाओ। सुंदरलाल मेरा साला नहीं है। टुप्पू के पापा पैसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? अरे जीजा और साले का रिश्ता तो जन्म जन्म का रिश्ता होता है, और आपका एक ही तो साला है। मेहते साहब आप जरा अपने मित्रों को समझाइए ना। जेठालाल ये कैसी बातें कर रहे हो?
और जेठा प्रा, ये तो गलत बात है भाई। अरे भाई सुंदरलाल मेरा साला है, लेकिन सोसाइटी के काम के मामले में वो मेरा साला नहीं है, वो सिर्फ सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्टर है। सही बात है। तो उसको कैसे हैंडल करना, वो प्रॉब्लम भिड़े का है, मेरा नहीं। अरे लेकिन उसको हैंडल करने के लिए वो है कहाँ, उसका कोई आता पता ही नहीं है। अरे भिड़े भाई, आता पता क्या नहीं है, उसका आता भी है और पता भी है। कल ही सुंदर वीरा जूनागढ़ के गिर जंगल में पाया गया था। वो गिर जंगल के शेर ने उसे देखा था। शेर? मतलब वो शेर देखने गया था। बेचारा शेर, वो वहाँ शेर देखने गया है और यहाँ हम सब की हालत भीगी बकरी जैसे हो गई है। भीगी बकरी नहीं, भीगी बिल्ली बोलते हैं। क्यों, बकरी कभी भीगती नहीं है, वो होटा पुफ होती है। ओ भाई शेर बिल्ली बकरी है, प्राणी संग्रहालय की बातें बंद करो और जो काम बंद हुआ उसकी चिंता करो। तो ऐसे कैसे काम बंद कर सकते हैं, काम बंद करना तो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो आप क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर केस हम लोग ठोक दे और उसको पुलिस के हवाले कर दे। मैं नहीं, हाथी भाई कह रहे। हाथी भाई? अरे मैंने कब कहा जेठा भाई। देख जेठिया, ये गंभीर समस्या है, जरा गंभीरता से बात कर। बापूजी ये लोग जब भी सुंदर को क्रॉन्टेक दे रहे थे तब भी मैंने इनको पूरी गंभीरता से कहा था कि आप लोग सोच समझ के सुंदर को क्रॉन्टेक देना, लेकिन तभी इन लोगों ने मेरी बात गंभीरता से सुनी ही नहीं। देखिए मुझे लगता है सुंदर को अभी हमारी सोसाइटी के काम में से रस उड़ गया है, इसलिए वो गिर के जंगल में पिकनिक मना रहा है। तो अभी उसको भूल जाओ, किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ और काम खत्म कराओ। अरे ये अब क्या कह रहे हैं, मेरी शादी में सुंदर वीरा ने जितनी मेहनत नहीं की ना। तेरी कौन सी शादी? हमारी, हमारी शादी में। तो ऐसा बोल बापूजी, मतलब हमारी शादी में सुंदर वीरा ने जितनी मेहनत नहीं की ना, उससे भी ज्यादा मेहनत अभी गोपाल धाम सोसाइटी के रिपेयरिंग में कर रहे हैं। और आप कह रहे कि मैं पोर्ट्रेट लेकर बुला लो, आपकी ये गलत बात में कोई आपका साथ नहीं देगा। देगा कोई साथ? देखिए दया भाभी, समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि सोसाइटी के काम में काफी लेट हो गया है और अभी तो काम बंद हो गया है। यस दया भाभी, सुंदरलाल की जवाबदारी है कि वो काम बंद ना करे। जाडालाल, तुम्हारा तो गुजरात में बहुत सारा कांटेक्ट होगा, तो उसमें 2-4 कांटेक्ट ऐप करो और ये पता लगाओ कि सुंदरलाल गिर के जंगल में एग्जैक्टली किधर है। अरे भाई सुंदरलाल का पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक बार गिर के जंगल में शेर का पता लगा सकते हैं, सुंदर का नहीं। वो चंदन चोर वीरप्पन से भी बड़ा गिलिंडर है। गिलिंडर? आप मेरे वीरा को गिलिंडर कह रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ओ चंदन चोर वीरप्पन को गिलिंडर बोल रहा हूँ। समझती है ना, तो बुला उसको इधर और बता कि उसकी वजह से यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया है। सोसाइटी में लगे बम्बू की तरह सबको लटका के चला गया है गिर के जंगल में। बुला उसको इधर, बुला। जेठिया, बापूजी। बापूजी ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सुंदर वीरा बाहर दरवाजे के पास ही खड़ा है और मैं उसको आवाज दूं और वो फटक से आ जाए। बेना,
ना तुझे पता है जूनागढ़ में शेर एकदम मेरा सामने आ गया था। उतरी तो फिर तो बचा कैसे? क्या मतलब फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने शेर को मूंगफली मारी। तो शेर ने तुझे एक उल्टे हाथ की झापट नहीं मारी? मारी ना, पर उसे ही लगी। कैसे? बीच में सलिया आ गया ना, वो पिंजरे में था। वीरा, गिर के जंगल में भी शेर को पिंजरे में रखते हैं? नहीं बेना, मैं जूनागढ़ के शक्करबाग ज़ू में गया था। ए भाई, तूने यहाँ हम सब की आलस शेर पिंजरे में से बाहर आके हमारे सामने आ गया हो, ऐसे कर दिए। हाँ। नहीं तो क्या है? देखो सुंदर लाल, एक मिनट। कैसे हो बाबूजी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बाकी सब लोग अशांत हो गए। एग्जैक्टली। अरे कोई बात नहीं, सबको मैं अशांत कर देता हूँ। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले ये बताओ सुंदरलाल कि तुम्हारे पास पांच पांच मोबाइल है और एक भी चालू नहीं है। अरे ये मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है इसलिए। बैटरी क्या हमेशा डाउन रहती है? उसमें क्या है कि मेरा चार्जर खो गया है। और दूसरा फोन? अरे ये फोन मैं उठाने गया और हाथ में से गिर गया था और बिगड़ गया। माय डियर जीजाजी, प्लीज मेरा ये फोन रिपेयर करवा दोगे प्लीज? गुड कैच भाई। और सुंदरलाल तुम्हारा तीसरा फोन? अरे वो मोबाइल कंपनी ने ज्यादा बिल भेज दिया था। और मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला इंसान हूँ, मुझसे वो सहन नहीं हुआ और मैंने उन्हें बोल दिया कि मेरा कनेक्शन काट दो और उन्होंने काट दिया। सच्चाई का पुतला। और चौथा? उसमें ऐसा हुआ कि वो कंपनी 2G स्पेक्ट्रम कांड में फंसी हुई थी और कोई कंपनी कांड में फंसी हुई हो उसका मोबाइल मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं एकदम सिद्धांतवादी इंसान हूँ, इसलिए मैंने उस कंपनी का कार्ड अपने आप रद्द कर दिया। छलनी गए सुई से तेरे मुंह में छेद। और वो पांचवा मोबाइल है उसका क्या कारण है? अरे वो फोन मेरे दोस्त को बहुत ही पसंद आ गया था तो वो फोन मैंने उसे गिफ्ट कर दिया विद सिम कार्ड। पिल का अर्थ? और ये है मेरा छठा नया नंबर, इसमें मैंने सिम कार्ड डाल दिया है नया। बस सर्विस चालू होते ही मैं आप सब लोगों के कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा। मतलब छठा नंबर भी अभी तो बंद ही है। कितना छठा हुआ आदमी है ना। लग जाएगा, एक डेढ़ घंटे में ही चालू हो जाएगा। या भाई ये तेरा फोन पुराण बंद कर और इधर जो प्रॉब्लम है उसका निराकरण ला भाई। अरे सब प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, शांति से बैठ कर बात करते हैं। मैं एक काम करो, तुम पहले मस्त सबके लिए चाय बना कर लेके आओ। हाँ वीरा, आप सब लोग बैठे ना, मैं सबके लिए मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ। आइए शांति से बैठिए भाई, ऐसे बातें खड़े खड़े नहीं होती है, आइए बैठिए। थैंक यू जेठालाल। ऐसा खड़े खड़े बात करने में मजा नहीं आती है, तो चाय पीकर शांति से बात करते हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? सुंदर प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सोसाइटी में रिनोवेशन का काम रुक गया है जिसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिया है। हाँ वो तो मुझे बकाना बताया है। हाँ लेकिन सुंदरलाल यह तरीका गलत है, एक तो बका को कुछ भी पूछो तो वह कुछ बताने को तैयार नहीं है और एज ए ट्रेजरर सब लोग मेरे को पूछते हैं। अरे अय्यर भाई, काम अच्छा करने में देरी हो ही जाती है। उसे काम भी बंद कर दिया उसने। अरे भिड़े भाई, आप पैसे दे देते तो काम ही बंद नहीं होता और ना ही सब लोगों को परेशान होकर यहाँ आना पड़ता। अरे लेकिन ऐसे कैसे पैसे दे देता सुंदरलाल? 5 लाख रुपए बैलेंस है, वो तुम्हें काम खत्म करने के बाद ही मिलने वाले हैं। माय डियर भिड़े भाई, बिना पैसों के काम कैसे होगा? हाँ तू बात मना ना कर संगो। सुंदरलाल तुम्हें सोसाइटी ऑलरेडी 20 लाख रुपए दे चुकी है और काम खत्म होने के बाद तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। माय डियर भिड़े भाई, आपको मुझे 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए देने होंगे। 10 लाख? 10 लाख? किसी की शादी में पंडित अगर आखिरी फेरे से पहले डबल दक्षिणा की मांग कर दे तो आ
आपकी आधी हजामत बना के हजाम भाग जाए तो क्या हाल होगा? ठीक वैसा ही हाल इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों का हो रहा है। भाई कई बार मुझे लगता है कि मेरे परम मित्र जेठालाल व्यापारी नहीं भविष्यवक्ता है। ऐसा कुछ होगा इसका पूर्वाभास उन्हें पहले ही हो गया था, इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। अब देखिए सुंदरलाल ने 5 लाख रुपए के लिए गोकुलधाम के रिनोवेशन की गाड़ी अटका दी है। अब देखना यह है क्या रिनोवेशन पूरा होगा। भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपके घरों में, आपके घरों के अकाउंट्स में हंसी का ट्रांसफर जरूर होगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।